दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बी एस सी में बी एस सी इंटीग्रेटेड में 2020 की अपने बात कर रहे थे पीछे कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं दोस्तों उसमें आपको सभी विषय के सभी विषय के बारे में मैंने उनके सिलेबस को डिस्कस किया है और उनके टॉपिक्स जितने भी बनते हैं सारों को डिस्कस किया है और अपने सिलेबस इस अकॉर्डिंग करने वाले हैं कि अपने अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और कम समय के अंदर हो सके सारा मैटर अपने को नहीं करना ओनली बी एस सी बी एड के इंटीग्रेटेड के जो चार सालों वाला कोर्स है उसके अकॉर्डिंग उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे और जितने उसमें क्वेश्चन बनते हैं उतने ही क्वेश्चन अपने करेंगे तो आज अपने बात करेंगे रिलेटिविटी में थंबनेल में आपने देख लिया होगा आज रिलेटिविटी सापेक्षिकता रिलेटिविटी की बात करेंगे अपने आज अब रिलेटिविटी की जो पहला जो अपना जो अपेक्षिकता या सापेक्षिकता जो अपना टॉपिक है अपेक्षिकता या सापेक्षिकता ये जो अपना टॉपिक है इस टॉपिक पे मैंने इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है देखिए पहला पहला इसमें मैंने पार्ट बनाया है वो पहला जो मैंने पार्ट इसके अंदर बनाया है वो बनाया है दोस्तों अति लघुरात्मक पहला जो पार्ट इसका बनाया इसमें मैंने तीन भाग किए तीन 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 पार्ट भाग तीन भागों तीन में मैंने इसको कन्वर्ट किया और तीन ही पार्ट के अंदर आपके एग्जाम में पेपर आने वाले हैं तो पहले भाग से अपने जो पेपर बनेगा पहले भाग से आप जो अगर कंप्लीट समझना चाहते हो भी कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे और जितने भी आपके डाउट मन में है सारे क्लियर करना चाहते हो तो आप जो बी एस सी बी एड अपलोड ये लिख करके अब जब सर्च मारोगे तो हमारा जो चैनल आएगा उस चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लेना वहां पे मैंने मैं वहां पे कंप्लीट बता चुका हूँ और उस वीडियो का जो लिंक है उस वीडियो का जो कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है सारे डाउट्स वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहां से आप क्लिक करके उस डायरेक्ट उस चैनल पे पहुंच सकते हैं और उस वीडियो को है वो क्लिक कर सकते हैं साथ ही साथ उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप जा करके उसको सब्सक्राइब कर लेना रिलेटिविटी रिलेटिविटी यानी कि अपेक्षिकता के अंदर अपनी बात कर रहे थे तो मैंने बताया भी आपके रिलेटिविटी को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है देखिए दोस्तों वैसे पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज करवाने से कोई फायदे वाली बात नहीं है वैसे टाइम बर्बाद होने वाली बात है क्योंकि अगर थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज अगर मैं करवाने लग गया तो काफी समय भी लग जाएगा और उतना बेनिफिट भी नहीं होगा इसके अंदर आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जब आप ये करोगे ना जैसे अपने पहले भाग जो ए भाग आपका आने वाला है खंड ए उस खंड ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अपने रिलेटिविटी से रिलेटेड, रिलेटिविटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तीनों भागों के अंदर कंप्लीट कंप्लीट क्वेश्चन लिखाया जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आएगा उसकी लैंग्वेज को समझाया जाएगा और प्लस उसके आंसर किस तरह आपको उसमें लिखना है और कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको है वो वीडियो के अंदर दी गई है तो आप जल्दी से जाकर के उस वीडियो को है वो देख लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना समझ लेना क्या उसके अंदर बताया गया है फिर आप इस वीडियो को है वो ज्वाइन करना तो अपनी फिजिक्स की जो सिलेबस के बाद फर्स्ट क्लास अपनी है कुछ इसके बारे में रणनीति में बता देता हूँ अपने किस तरीके से करेंगे देखिए, पहला जो पार्ट अपना है भाग ए या भाग फर्स्ट यह है लघुरात्मक जो पहले पार्ट में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो लघुरात्मक से आने वाले हैं लघु लघुरात्मक क्वेश्चन जो टोटल मैंने क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन बनाए हैं वो टोटल लघुत्मक क्वेश्चन आपके रिलेटिविटी में ट्वेंटी टू क्वेश्चन बनाए टोटल ही ट्वेंटी टू ही क्वेश्चन बनाए हैं इससे ऊपर क्वेश्चन है वो आपके नहीं बन रहे अगर बनेंगे तो इन ट्वेंटी टू क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ कर तोड़ मरोड़ कर बनाया जाएगा तोड़ मरोड़ कर बनाया जाएगा इस इस 22 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला इन टॉपिक्स को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है ठीक है तो लघुरात्मक क्वेश्चन आपको पता ही होगा छोटे क्वेश्चन होते हैं भाग ए के अंदर आते हैं अगर आपको समझना है तो आप उस चैनल को है वो जाकर देखें उस पर वीडियो पड़ा हुआ है अच्छे से कंप्लीट समझाया हुआ है वहां पे जाके आप देख देखें, देखें। टोटल मैंने 22 क्वेश्चन लिए हैं इसमें 22 के 22 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी के मैंने इसके अंदर आंसर भी है वो करवाऊंगा आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखाऊंगा बाद में इसका आंसर करूंगा अब बात करते हैं भाग बेक की यानी भाग सेकंड की सेकंड पार्ट में क्या है सेकंड पार्ट जो अपना आता है उस पार्ट का नाम है दीर्घ उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके जो रिलेटिविटी यूनिट फर्स्ट जो है जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर जो बनते हैं वो है टोटल नौ क्वेश्चन आप मैंने यहाँ पे पुट अप किए हैं नौ ही क्वेश्चन पुट अप किए हैं ठीक है तो अपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है और उतरी, उतरी है, है और उत्तरीय 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 लघु दीर्घ उत्तरीय ठीक है इन दोनों के दोनों क्वेश्चन पे ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं तो लघु उत्तरीय से अपने दो पार्ट बनेंगे एक तो जो छोटे क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर के जो बनते हैं वो और छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चन बनाए जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है ये सिर्फ नौ ही क्वेश्चन ऐसे हैं रिलेटिविटी में जो आपका छह नंबर का क्वेश्चन आता है वो इससे बनेगा इन्हीं क्वेश्चन नौ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनेगा थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है अगर आपको मैं बताऊंगा ट्रिक क्या ट्रिक रहेगी उसके समझने की लैंग्वेज को तो इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है बस आप उसको कंप्लीट है वो छह क्वेश्चन छह नंबर का जो क्वेश्चन आपने आने वाला है तो इन्हीं नौ क्वेश्चन में से आएगा ठीक है तो ये अच्छे से कर लेना आप और साथ साथ में आप एक कॉपी ले लेना और उसके अंदर नोट करते चलिएगा साथ साथ में सारे क्वेश्चन लिखते चलिएगा और उनके आंसर भी अच्छे से है वो नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है तो आज बताता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन आज अपने करने वाले हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन अपने आज करेंगे देखिए आज अपने कौन कौन से क्वेश्चन है वो करने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे बाईस और नौ वो है पहले बाईस क्वेश्चन वो कर लेते हैं तो अपेक्षिकता जो अपना चल रहा है अपेक्षिकता ठीक है जो अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट है अपेक्षिकता जो यूनिट नंबर अपनी फर्स्ट है इस यूनिट नंबर फर्स्ट में अपने आज बात करेंगे लघुरात्मक प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न की बात अपने करेंगे देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर एक नोट कीजिएगा तभी बेनिफिट होगा आपको नोट कर लीजिएगा समय समय विस्फार समय विस्फार समय विस्फार पर टिप्पणी समय विस्फार पर टिप्पणी लिखिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समय विस्फार पर टिप्पणी लिखिए अब इसको नोट कर लीजिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को अब इसका मैं जो आंसर है वो लिखने वाला हूं पहला जो क्वेश्चन आपका है वो नोट कर लीजिएगा इसका आंसर मैं लिखने वाला हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा देखिए सबसे पहले तो अपने समझ लेते हैं समय विस्फार क्या होता है ठीक है समय विस्फार क्या होता है अपने को पता है भी जो अपेक्षिकता होती है अपेक्षिक गति होती है अपनी बात करेंगे अपेक्षिक गति की ऐसा करता हूँ जो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है वही मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कंप्लीट नोट कर लीजिएगा लिख देता हूँ देखिए बाद में इसको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा ठीक है एक बार आपको ऐसे नोट डाउन करवाना जरूरी सही रहेगा क्योंकि पेपर के अंदर आपको है वो अच्छे से लिख के आना होता है उसी के मार्क्स आपको मिलते हैं तो सबसे पहले मैं लिखा देता हूं आपको समय विस्फार पर टिप्पणी किस प्रकार से अपने लिख सकते हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है समय विस्फार और बाद में आपने लिखना है अपेक्षिक गति आपेक्षिक गति नोट कीजिएगा अपेक्षिक गति समय अंतराल अपेक्षिक गति समय अंतराल को समय अंतराल को भी प्रभावित समय अंतराल को भी प्रभावित करता है प्रभावित करता है ये एक बात अपनी गई समय अंतराल को प्रभावित करता है कौन अपेक्षिक गति एक बात समझ में आ गई दूसरी बात आगे इसमें लिखेंगे एक एक जो इसमें लाइन बनेगी एक घड़ी एक घड़ी एक घड़ी जो कि एक घड़ी एक घड़ी जो कि किसी प्रेक्षक प्रेक्षक यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं किसी प्रेक्षक की तो किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी प्रेक्षक के सापेक्ष विवेग वेग से गतिमान है ठीक है प्रेक्षक को प्रेक्षक को गुणांक ये प्रेक्षक है प्रेक्षक को गुणांक या गुणक 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 वन बाय रूट वन बाय रूट वन, वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर ठीक है ये ठीक है से से सुस्त प्रतीत सुस्त प्रतीत होती है सुस्त प्रतीत होती है एक लाइन अपने पास ये रखनी है अब देखिए इतनी पहला अपने इतना लिखना है भी अपेक्षिक गति अपेक्षिक गति अपेक्षिक गति है वो समय अंतराल को प्रभावित करता है ठीक है और एक घड़ी जो कि किसी प्रेक्षक के सापेक्ष विवेक से गतिमान है और प्रेक्षक के जो गुणक दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं तो उस गुणक से वो सुस्त प्रतीत होती है ठीक है आगे देखिए अपने अब अपने मानते हैं कि जैसे माना एक घड़ी माना एक घड़ी एक घड़ी गतिशील फ्रेम गतिशील फ्रेम जिसको अपने नाम देते थे एड एस डेस में एक्स डेस स्थिति पोजीशन अपने दे दी एक्स डेस और निर्देश फ्रेम का नाम दे दिया एसडेस स्थिति में है ठीक है तो अपने एक घड़ी ली और उस घड़ी को है वो गतिशील निर्देश फ्रेम में एक्स स्थिति में रखा ठीक है एक्स स्थिति में रखा अब बात करेंगे भी एस एस डेस में जो एस डेस अपना निर्देश फ्रेम है उसमें स्थित इस में स्थित एक प्रेक्षक उस निर्देश फ्रेम के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको घड़ी की उस प्रेक्षक को घड़ी की जो दो टिकें यानी दो जो समय है टी वन व टी टू t1 डैश और t2 टू डैश ये जो समय हैं, उस समयों पर सुनाई देती है उस समयों पर सुनाई देती है सीधी सी बात भी एक प्रेक्षक गतिशील फ्रेम है उस फ्रेम में X स्थिति पर एक घड़ी घड़ी को रखा गया है और S डेस में एक व्यक्ति है वो घड़ी की दो समयों पर T1 और T2 पर सुनाई देती है, ठीक है? उस व्यक्ति को वो T1 और T2 दो समय पर है वो टिक टिक वो है, सुनाई देती है T1 और T2। इसलिए यहाँ पे टिके लिखा हुआ है, टिके। ठीक है? ये टिके हैं। अब बात करते हैं, सुनाई देती है, तब तब क्या होता है? तब SDEs द्वारा, तब SDEs द्वारा प्रेक्षित एस डेस द्वारा प्रेक्षित दो दो टिकों दो टिक 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 की जो आवाज होती है उसको बोला है दो टिकों यानी टी में व के मध्य समय अंतराल समय अंतराल दो टिकों के मध्य समय अंतराल निम्न वत निम्न वत यानी निम्नवत होगा यानी कि मैथमेटिकल अगर लें डेल्टा टी टू यानी डेल्टा टी जीरो है वो टी टू डे माइनस टी वन डैश यानी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा ठीक है कौन सा सीमांतल इनके बराबर होगा एस डैश द्वारा एस डैश द्वारा ये जो एसडेस है उस एसडेस द्वारा प्रेक्षित दो टिकों के मध्य जो समय का अंतराल है वो डेल्टा टी जीरो अपने पास आएगा ठीक है इक्वेशन बनती है अपने पास ये नोट डाउन कर लीजिएगा आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपने पूरा का पूरा है वो उतार लिया होगा अब देखिए इसको एक बार सेव कर देता हूं मैं बाद में आपको यह काम में आ जाएगा मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा ठीक है फर्स्ट नाम से मैं डाल देता हूं इसको पीएनजी में इसको आप नोट डाउन कर इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा टेलीग्राम पर आप इसको वो पीडीएफ डी बना कर डाल दूंगा जितने भी पेज अपने पास बनेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे ये डाल दूंगा और कंप्लीट इसको उतार लेना अगर आपने किसी ने नहीं उतारा तो देखिए अब अपनी बात करेंगे निर्देश फ्रेम क्या होता है देखिए निर्देश फ्रेम जैसे ये दो निर्देश फ्रेम है अपने पास जिसके अंदर x डैश वाई डैश ये x दिशा हो गई और ये y दिशा हो गई अपने पास और ये z दिशा हो गई ठीक है ये डायरेक्शंस दी हुई हैं इनकी तो सेम डायरेक्शन हो गई निर्देश फ्रेम गतिशील निर्देश फ्रेम है ठीक है ये एस निर्देश फ्रेम है और ये एस डेस निर्देश फ्रेम है ये वाई हो गई ये जेड हो गई जेड डेस हो गई ओ हो गया ओ डेस एक्स और इसी को अपने डैश डैश करके मैं एक्स डैश बोल देता हूं ठीक है और ये निर्देश फिर इस तरफ क्या है वेग से गतिशील है ठीक है वेग गतिशील है और ये वाई हो गया। इस तरफ है ये वेग से गतिशील है अब जो आपने इक्वेशन लिखी थी इनके जो बीच का जो समय था टी जीरो इज इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश ये अपने पास इक्वेशन बनी थी दो टिकों के मध्य समय अंतराल ठीक है ये क्वेश्चन अपने पास बनी थी तो जो डे, डेल्टा टी जीरो है वह समय अंतराल है नोट कर लीजिएगा डेल्टा जो टी जीरो है वो समय अंतराल को नोटिस करेगा जो कि नोटिस करेगा अब क्या है ये जो T0 है वो उसी फ्रेम में मापा गया है उसी फ्रेम में मापा गया है मापा गया है अब कौन से फ्रेम में मापा गया है जिस फ्रेम के अंदर अपने पास घड़ी रखी हुई है तो मापा गया है जिस फ्रेम इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिस फ्रेम में घड़ी रखी गई है ठीक है तो डेल्टा टी जीरो समय को कहां से मापा गया है तो जिस निर्देश फ्रेम से निर्देश फ्रेम में घड़ी रखी हुई है उसी निर्देश फ्रेम के अंदर इसको है वो मापा गया है ठीक है तो ये अपने पास हो गया अब आगे देखते हैं अब देखिए अब देखिए अब अब देखिए मानना कि अब मानना कि एक अन्य निर्देश फ्रेम अपने पास लेते हैं एक अन्य निर्देश फ्रेम निर्देश फ्रेम निर्देश तंत्र फ्रेम बोलते हैं जिसको फ्रेम तंत्र निर्देश फ्रेम तंत्र जो एस डेस में है एस डेस एस डेस जिसमें कोई प्रेक्षक है जिसमें प्रेक्षक स्थित है इसमें कोई प्रेक्षक है वो स्थित है जिसके सापेक्ष उस निर्देश फ्रेम यानी उस प्रेक्षक के सापेक्ष जो घड़ी है वो वी वेग से वी वेग से वी वेग से गतिमान वी वेग से गतिमान है ठीक है यदि इस प्रेक्षक को यदि इस प्रेक्षक को वही दो टिकों वही दो वही दो टिकों T1 वन व टी टू, समय समय पर समय पर सुनाई देती है वही दो टिकों समय पर सुनाई देती है तब उसे उन टिकों उन टिकों के मध्य प्रतीत होने वाला समयांतराल उन टिकों के मध्य उन टिकों के मध्य प्रतीत होने वाला समयांतराल समय अंतराल है वो क्या होगा तो टी मानेंगे उसको और वो होगा टी टू माइनस टी ठीक है तो वो अपने पास था टी वन टी टू डैश माइनस टी डैश के मध्य का समय अंतराल जो एस निर्देश फ्रेम में स्थित है ये अपने पास बात की अपने एस डेस निर्देश पर एक अपनों ने और लिया जिसमें वेग को वही रखा गया और प्रेक्षक को है उसके उन्हीं टिकों के मध्य सेम उन्हीं टिकों के मध्य की दूरी को प्रतीत किया गया तो वह t इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन रखा गया ठीक है ये अपने पास इक्वेशन बनी चलिए इसको सेव कर देते हैं दो नंबर से और अपने आगे चलते हैं न्यू पेज ले लेता हूं देखिएगा देखिएगा अब अपनी बात करेंगे दोनों के कॉमन के अंदर देखिए बात आती है एक्स डेस के, के निश्चित मान की x डेस के निश्चित मान के लिए एक्सडे के, एक्स के निश्चित मान के लिए लॉरेंज रूपांतरण अब देखिए ये लॉरेंज रूपांतरण है पूरा समझाएंगे आपको क्या होता है लॉरेंज रूपांतरण पूरा का पूरा एक टॉपिक है लॉरेंज रूपांतरण आपको कंप्लीट करवाया जाएगा लॉरेंज़ रूपांतरण जो अपने पास होता है वो होता है टी टू इज इक्वल टू टी टू डे प्लस एक्स डेस प्लस वी अपॉन सी स्क्वेयर बटे में रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर ये अपने पास एक इक्वेशन जो है बनती है इसको अपने नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है तथा ये तो अपनी बात आई टी टू की अब बात करेंगे टी वन की तो टी वन इज टी वन प्लस सेम वी में ठीक है सेम टू सेम वो टी वन के लिए था और टी टू के लिए था सॉरी ये टी वन के लिए अपने पास इक्वेशन बनेगी वन माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्वेयर इक्वेशन नंबर अपने पास t1 व t2 की बनी और ये इक्वेशन बनी दो नंबर सेकंड इक्वेशन अपने पास बनती है अब देखिए दोनों इक्वेशन अपने पास बनी दोनों t1 व t2 अपनों ने पीछे संबंध बनाया था दोनों s व s' निर्देश फ्रेम के मध्य s' व निर्देश एस डैश व एस निर्देश फ्रेम के मध्य जो संबंध बनाया था आपको याद हो तो t इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन ये अपने पास इक्वेशन बनी थी तो लॉरेंज रूपांतरण जब अपनों ने किया दोनों का तो इस समीकरण के इन समीकरण को अपनों ने प्राप्त किया अब टी टू और टी वन का मान समीकरण इसके इस समीकरण में रखने पर अपने पास इसको हल करेंगे देखिए यहाँ पे लगा, आप लगा लेना चुंकी ठीक है क्योंकि जो अपने ने पीछे किया है उसके आगे चुंकी लगाएंगे इसमें ने बताया है भी अपने ये पीछे कर चुके हैं तो चुंकी लगा के ये आप नोट डाउन कीजिएगा आगे अपने इसको है वो लिखते हैं देखिए इसको मैं सेव कर देता हूँ तीन नंबर से और नया पेज अपने पास ले लेते हैं देखिएगा तो आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा देखिए टी वही समीकरण टी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन इसको हल कीजिएगा क्या बनेगा देखिए इसको हल करते हैं तो कंप्लीट वहां से देखिए कॉमन जो कॉमन जो था वो नीचे वाला पोर्शन जो रूट वाला रूट वाला जो पोर्शन था वन माइनस वी स्क्र पॉइंट सी स्क्र वाला दोनों के अंदर कॉमन था तो वो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास सीधा सीधा बच जाएगा टी टू माइनस टी वन डैश टी टू डैश माइनस टी वन डैश अपॉन में ये अपने पास कॉमन आ जाएगा वन माइनस में सी वो अपने पास कॉमन था तो अपने पूरा का पूरा मान है जो टी का मान है अपने पास आ गया टी टू टी वन डैश पौन में रूट ऑफ वन माइनस वी पौन में सी ये इक्वेशन अपने पास तीन नंबर इक्वेशन जो है बनी अब देखिए अगर आपको याद हो तो अपने एस निर्देश फ्रेम के लिए जो चूंकि एस निर्देश फ्रेम एस निर्देश फ्रेम में अपने बात की थी डेल्टा टी जीरो की तो अपने पास इक्वेशन बनी थी टी टू डे माइनस टी वन तो अब अपने पास जो मान पड़ा है वो किस चीज का पड़ा है देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है तो टी टू डैश माइनस टी वन डैश तो ये जो टी टू डैश माइनस टी वन है इसकी जगह अपने लिख सकते हैं डेल्टा टी जीरो कि ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी और रूट में वन माइनस वी स्क्वेयर पॉन में सी स्क्वेयर तो फाइनली जो टाइमिंग है वो अपने पास ये आती है ये अपने पास निर्देश फ्रेम है वो दो निर्देश फ्रेमों निर्देश फ्रेमों के मध्य वो अपनों ने बात की तो इसको नोट कीजिएगा इसे अपने पास स्पष्ट ये होता है कि ऐसे निर्देश फ्रेम में स्थित तो जो समय अंतराल का गुणक होता है वो विस्फारित प्रतीत होता है ठीक है तो अपने समय विस्फार के बात कर रहे थे उसके अंदर आप सिद्ध किया कि विस्फारित होता है तो अपने इसमें लिख सकते हैं अतः है यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूं मैं कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ अतः स्पष्ट है कि एस में एस में स्थित एस में स्थित प्रेक्षक को एस में स्थित प्रेक्षक को समयांतराल सम्याल गुणक समयांतराल गुणक तो समयांतराल गुणक है वो अपने पास क्या आया था मैंने सबसे पहले आपको लिखाया था वन अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर तो अपने पास सिद्ध यही करना था कि वो क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने क्वेश्चन में ये लिखाया था भी समय विस्फार पर टिप्पणी करनी है तो एक लाइन मैंने शुरू में से लिखाई थी भी समय विस्फार क्या होता है इस समय विस्फार होता है वो प्रेक्षक को जो गुणक मैंने दिया था ये जो गुणक अपने पास लिखा हुआ है इस गुणक के सुस्त होता है ठीक है तो इस गुण के साथ अगर अपना गुणा करते हैं डेल्टा टी जीरो का तभी तो अपने पास इक्वेशन बनी है तो डेल्टा टी जीरो जो है वो सुस्त समय है ठीक है तो ये अपने पास इस गुणक से विस्फारित विस्फारित होता है अपने यही सिद्ध करना था भी विस्फारित होता है इसलिए एक निर्देश फ्रेम में स्थित घड़ी है वो गतिमान निर्देश फ्रेम में घटित घटनाओं के बीच समय अंतराल को गतिमान फ्रेम में स्थित घड़ी की अपेक्षा अधिक लंबा प्रेक्षित करेगी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है मैं लास्ट में लिख देता हूं निष्कर्ष देखिएगा इसका क्या निष्कर्ष बनता है निष्कर्ष ये बनता है कि एक स्थिर एक स्थिर फ्रेम एक स्थिर फ्रेम में एक स्थिर फ्रेम में स्थित एक स्थिर फ्रेम में स्थित एक स्थिर फ्रेम में स्थित घड़ी घड़ी गतिमान गतिमान फ्रेम में घटित गतिमान फ्रेम में घटित घटनाओं घटनाओं घटित घटनाओं के बीच के बीच के बीच समयांतराल समयांतराल को गतिमान फ्रेम में गतिमान फ्रेम में स्थित घड़ी की अपेक्षा गतिमान फ्रेम में स्थित घड़ी की अपेक्षा अधिक लंबा अधिक लंबा प्रेक्षित करेगा ठीक है तो अधिक लंबा है वो प्रेक्षित करेगा एक बार पढ़िएगा लाइन को स्थिर फ्रेम में स्थित घड़ी गतिमान फ्रेम में स्थित में घटित होने वाली घटनाओं के बीच जो तो समय अंतराल है उसको गतिमान फ्रेम में स्थित घड़ी की अपेक्षा अधिक लंबा प्रेक्षित करेगा ठीक है तो स्थिर फ्रेम की जो घटनाएं होंगी वो गतिमान फ्रेम में स्थित घटनाओं की अधिक लंबा प्रेक्षित करेगा तो ये अपने पास है, होता है अब इसमें एक केस बनता है वो केस लिखा देता हूं आपको केस क्या बनता है देखिए नोट कर लीजिए केस केस ये बनेगा देखिए कुछ केसेस जो हैं कैश केस नंबर फर्स्ट ठीक केस बनेगा अपने पास एक केस बनता है इसमें क्या केस यदि v इज इक्वल टू c हो यानी कि वेग को है वो प्रकाश की चाल के बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा होएगा तो अरे v को अगर देखिए वो अपने पास इक्वेशन दी थी दी हुई है ना t वाली t इज इक्वल टू टी जीरो अपॉन में वन माइनस वी स्क्र पोन में सी स्क्र यहाँ पे v को है वो c के इज इक्वल करने पर अपने पास ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे से वन में से में गया जीरो जीरो, तो ये देखिए अपने पास t जीरो अपॉन में जीरो हो गया और ये अपने पास क्या हो जाएगा t जीरो में अगर जीरो का भाग देंगे तो t का मान अपने पास अनंत हो जाएगा तो समय भी क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा यानी कि केस क्या बनेगा यदि वेग को अपने प्रकाश के वेग के बराबर कर दें तो प्रकाश का वेग आपको पता ही है प्रकाश का वेग होता है थ्री इज थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकंड। ये अपने पास प्रकाश का वेग होता है सी इस वेग के अगर बराबर कर दिया जाए तो समय का मान है वो अनंत हो जाएगा तो ये एक अच्छा केस है अच्छा केस बनता है और अच्छा क्वेश्चन भी है अपने पास कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो वह स्थिर प्रेक्षक पूर्णता रुकी हुई ही प्रतीत होगी ठीक है अगर इतना वेग बढ़ा दिया जाए कि समय अनंत हो जाए टी अनंत हो जाए तो प्रेक्षक को अपने पास प्रेक्षक को घड़ी हुई प्रतीत होगी क्योंकि वेग इतना ज्यादा हो जाएगा अब प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा है इसीलिए अपने को प्रकाश दिखाई दे रहा है नहीं तो प्रकाश दिखाई नहीं देता अगर उससे ज्यादा वेग उससे कम वेग होता ना इस वेग से तो अपने को प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता ठीक है तो अपने इस वेग के बराबर करने पर समय अनंत हो जाएगा समय अनंत हो गया तो अपने पास प्रेक्षक वो घड़ी रुकी हुई प्रतीत होगी अपने पास तो एक अच्छा क्वेश्चन अपने ने किया आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है अब जो ये केस है आपको अच्छे से समझा दिया मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर के इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अगले वीडियो में अपने इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं जो समय विस्तार पे ही है और उसके अंदर इसका प्रायोगिक प्रमाण है वो सिद्ध करेंगे अपने पास समय विस्तार कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ज़रूरी से और उस चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखना जिसपे अपने कंप्लीट मैंने बताया हुआ है भाई कौन से टॉपिक से क्या कुछ अपने डाउट्स हैं वो बनते हैं सारे के सारे समझाए हुए हैं तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही थैंक यू